हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में मैं आपके साथ मेरा रक्षाबंधन ब्लॉग शेयर कर रही हूँ। रक्षाबंधन में मैं कुछ स्पेशली खास कुछ नहीं करती हूँ, और क्योंकि मैं रहती यूपी में हूँ और मेरा जो मायका है वो उड़ीसा में है, तो हम लोग बिल्कुल भी कभी भी जा नहीं पाते हैं रक्षाबंधन के टाइम घर पर, और इस वजह से मैं यूपी में जहाँ रहती हूँ वहाँ पर ही रक्षाबंधन मनाती हूँ। कुछ लोग मुझे रिक्वेस्ट किए थे डेली ब्लॉग के लिए, इस वजह से मैं आज ये रक्षाबंधन का ब्लॉग शेयर कर रही हूँ। और इस वीडियो में आप देख पाओगे कि मैंने रक्षाबंधन के दिन क्या क्या किया, क्या क्या मोस्टली मैं घर पे एक्टिविटीज़ करती हूँ वो आप इस वीडियो में देख पाओगे। तो सुबह मैंने मैगी बनाया था, आप जैसे कि क्लिप में देख पा रहे हो, देन कॉफ़ी, और मैगी के साथ हम लोग कॉफ़ी पीना पसंद करते हैं, तो जिस दिन में मैगी बनाती हूँ कॉफ़ी ज़रूर बनाती हूँ। तो यहाँ पे उस दिन का ब्रेकफास्ट ये था, मैगी एंड कॉफ़ी, सब लोग उसी को ब्रेकफास्ट किए हैं और मैं भी यहाँ खा रही हूँ, आप जैसे कि क्लिप में देख पा रहे हो। और चीयर्स गाइस। सो ब्रेकफास्ट के बाद मैं यहाँ लंच का प्रिपरेशन कर रही हूँ, और मैं यहाँ एक करी बना रही हूँ मिक्स्ड वेज का, उड़ीसा स्टाइल है ये, उड़ीसा के पॉपुलर डिश है ये एक, और इसमें जो है सरसों का पेस्ट के साथ सब्जी को पकाया जाता है, मिक्स्ड वेज है तो सारे सब्जी इसमें पड़ेंगे। तो कुछ इस टाइप से मैं देख, आप यहाँ देख सकते हो मैंने पेस्ट भी डाल दिया, ये सरसों का पेस्ट है तो, और टमाटर भी डालूँगी उसके साथ। इस टाइप से आप उसको अच्छे से भून के फिर उसके बाद सारे जो मिक्स्ड वेजिटेबल्स है उसको ऐड करिएगा। तो इसमें क्या होता है ना, बहुत सारे सब्जी पड़ते हैं क्योंकि मिक्स्ड वेज है, तो मैं बता देती हूँ आपको डिटेल। कद्दू, बैंगन, तुरई, आलू और भुइया और पपीता वपीता, अब जितने भी सब्जी इधर उधर के डाल सकते हो, इससे सब्जी का जो टेस्ट है वो अच्छा आता है। और मैं इसको मोस्टली जब भी करती हूँ बहुत ही कम तेल में प्रिपेयर करती हूँ, क्योंकि इसका जो मेन टेस्ट होता है वो उसका मसाले का आता है, जो मस्टर्ड सीड का पेस्ट है। सो मैंने यहाँ एक स्वीट डिश प्रिपेयर किया था रक्षाबंधन के लिए, और ये मैंने प्रीवियस डे ही प्रिपेयर कर लिया था क्योंकि सुबह उतना टाइम नहीं होता है रक्षाबंधन के दिन, तो इसलिए मैंने इसको रात को प्रिपेयर कर लिया था, एंड इसको मैं अभी डीमोल्ट कर रही हूँ, आप यहाँ देख पा रहे हो। तो कुछ इस टाइप से ये आराम से निकल गया प्लेट पर, और इसको ट्विस्ट कर देंगे प्लेट पे तो यहाँ पे रेडी हो गया। ये आप देख सकते हो बहुत ही अच्छा बना था, सॉफ्ट बना था, और ये पनीर का है। तो कुछ इस टाइप से थोड़ा सा ये साइड से टूट गया था तो उसको मैं फिक्स कर रही हूँ। तो ये जो स्वीट डिश है ये छेने का, छेने से बनता है, एंड ये एक उड़ीसा का ही स्वीट डिश है। इसको मैंने प्रीवियस नाइट को प्रिपेयर किया था रक्षाबंधन से पहले, एंड आप देख सकते हो ये कटने में टूट जा रहा है क्योंकि बहुत ही सॉफ्ट बना था। और मैंने रक्षाबंधन का थाली आप यहाँ देख सकते हो मैंने सजा लिया है, और मैंने केक भी बनाया था पिछले दिन बनाया था चॉकलेट केक। एंड रक्षाबंधन में मैं जो हनी के जो राखी आते हैं उन राखियों को मैं ही बांधती हूँ, और उसके फोर सिस्टर्स है और दो सब लोग भेजते हैं। तो यहाँ पे इस बार तो मैंने भी नहीं भेजा मेरे भाई को, क्योंकि इस बार कुछ सिस्टमेटिक तो हुआ नहीं, कहाँ जाए क्या करे। तो यहाँ पे दो लोगों का राखी आके पहुँच पाया है और बाकी दोनों का नहीं आ पाया, तो मैं यहाँ दो राखी उनको उसको बांध रही। एंड मेरे हस्बैंड के जो है एक बड़ी दीदी हैं, और वो हर साल राखी बेचती है और उनका एक ही राखी है, वो अपना बांध रहे हैं, और कुछ इस तरह से हमने रक्षाबंधन को सेलिब्रेट किया। और उसके बाद मैं फिर से लंच के प्रिपरेशन में लग गई हूँ। ये यहाँ मैं बॉयल्ड आलू को कट कर रही हूँ, और ये एक मसाला है उससे कूट करके मैं एक सब्जी बनाऊँगी। इसमें मैं रॉ बैंगन भी यूज़ कर रही हूँ, और ये एक उड़ीसा का ही डिश है, इस तरह से सैलो फ्राई करना रहता है इस सब्जी को, और ये धीरे धीरे ही पकता है। अब इसको मैं टर्न कर रही हूँ, जब ये बन जाएगा तब आप देखिएगा बहुत ही टेस्टी होता है, यमी होता है खाने में ये, और ये इसमें बनने में ये थोड़ा टाइम लगता है लेकिन खाने में बहुत टेस्टी होता है, और ये हनी को बहुत पसंद है।
और उसके बाद में सैलड बना रही हूँ। और ये ट्रेडिशनल उड़ीसा का सैलड है। उड़ीसा के सैलड में इस टाइप का होता है, दही के साथ खीरा, टमाटर, ओनियन ये सब ऐड होता है, उसके साथ नमक जाता है और धनिया पत्ता, मिर्चा भी आप डाल सकते हो अपने अपने अकॉर्डिंग। तो ये देख सकते हो आप, ये जो आलू और बैंगन की जो सब्जी है, ये भी ड्राई सब्जी है, ये एक मतलब भुना हुआ सब्जी है, तो इस टाइप से भी प्रिपेयर हो गया। और ये मिक्स्ड वेज भी आप देख सकते हो, बहुत अच्छा टर्न आउट हुआ है। तो ये प्रिपेयर हो गया और ये था हमारा लंच। और ये रात का टाइम अब हो चुका है, हम लोग अभी रात को सोचे क्या बनाएं। तो मैंने आज पनीर बनाया था, कढ़ाई पनीर। तो पहले मैंने शिमला मिर्च डाला, फिर प्याज, इस टाइप से मैं कढ़ाई पनीर जो है, कढ़ाई पनीर उसको बनाती हूँ स्पेशली घर पे। और शिमला मिर्च वाले सब्जी जो होते हैं मेरे हस्बैंड को पसंद है, क्योंकि पनीर में अगर शिमला मिर्च पड़ता है तो उनको अच्छा लगता है। तो मैं ज़्यादातर टाइम इस टाइप से बनाती हूँ। तो मैंने यहाँ भुना हुआ मसाला डाल दिया और उसके बाद मैं लाल मिर्च ऐड कर रही हूँ। देन मैं पनीर को काट के ऐड करूँगी, और पनीर भी मैंने जो है घर पे ही बनाया था। तो आप यहाँ देख सकते हो मैंने ये घर पे ही बनाया था, उसी पनीर को मैं यूज़ करती हूँ घर पे ही। मोस्टली मैं पनीर बनाती हूँ, बाहर से कम ही मंगाते हैं हम लोग पनीर। तो इस टाइप से मैं यहाँ सब्जी बना रही हूँ रात को। मुझे थोड़ा सा अजीब लग रहा है यार, क्योंकि ये सब नॉर्मली सब लोग, ज़्यादातर लोग घर पे ही करते हैं। ये शेयर करने के लिए मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है, क्योंकि कुछ लोग क्या, ज़्यादातर लोगों का रिक्वेस्ट था कि आप डेली ब्लॉग प्रिपेयर करिए। तो डेली ब्लॉग में मैं क्या दिखाऊँ, जो मैं नॉर्मली करती हूँ वही चीज़ ही करूँगी। तो इस वजह से मैंने ये वाला ब्लॉग शूट किया था। और ये पूड़ी के लिए मैंने आटा गूंद लिया है, और इस आटे में मैंने थोड़ा सा सूजी भी ऐड किया था। आप देखे होगे तो, मार्क किए होगे तो, मैंने थोड़ा सा सूजी ऐड किया था, क्योंकि पूड़ी में मुझे थोड़ा सा सूजी जब डालते हैं ना, पूड़ी थोड़ा कड़ा कड़ा निकलता है, तो उस टाइप उसका टेस्ट अच्छा आता है। तो उसके बाद यहाँ तेल डाल रही हूँ कढ़ाई पे गरम होने के लिए, एंड अब हम पूड़ी को बेल लेंगे और सेक भी लेंगे, मतलब तल भी लेंगे। और सब्जी भी हमारा दूसरे साइड में प्रिपेयर हो चुका है। आप यहाँ देख सकते हो मैं अभी बेल रही हूँ छोटे छोटे पूड़ियाँ। ऐसे पूड़ी हम लोग नॉर्मली कम बनाते हैं, खाते हैं, क्योंकि जैसे कि आप लोगों को पता ही है मेरा थोड़ा बहुत हेल्थ है, तो मैं ऑयली चीज़ को अवॉइड करती हूँ। ज़्यादातर पूड़ी या फ्राई वाले जो चीज़ होते हैं उनको कम खाती हूँ, कम खाती हूँ क्या, बनाती भी हूँ कम, क्योंकि ओबियसली वो सब चीज़ हमारे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। तो हम जितना उसको कम ही खाएंगे उतना ही हमारे लिए अच्छा होगा। तो ये स्पेशल डे था तो मैंने सोचा पूड़ी ही बना देती हूँ, तो इस वजह से मैंने पूड़ी बना लिया था। और ये कढ़ाई पनीर आप यहाँ देख सकते हो, लास्ट को एंड में जब आप सर्व करोगे सब्जी को, तभी हमको ये जो शिमला मिर्च और ओनियन जो हम फ्राई किए थे उसको ऐड करना है। सो अब ये डिनर हमारा रेडी हो चुका है। और गुलाब जामुन जो है मैंने बनाया था पिछले दिन रात को, और इतना अच्छा ये बना नहीं, तो इसको प्लीज़ इग्नोर करिएगा। तो ये था गाइस आज का ब्लॉग, और बहुत लोगों के रिक्वेस्ट की वजह से मैंने ये वाला ब्लॉग शूट किया। और बहुत गर्मी थी यार, देख सकते हो हालत क्या हो गई है, एंड ये थाली भी प्रिपेयर हो गया है। ये सब आपके लिए गाइस, आप इसको खाइए, एंजॉय करिए। एंड मैं मिलती हूँ मेरी नेक्स्ट वीडियो में। तो टिल देन बाय एंड टेक केयर।